लालगंज के वार्ड नंबर 10 संत नगर बाईपास डलमो रोड पर टाउन एरिया के द्वारा हाईवे सड़क के बगल में 15 से 20 दिन पहले जेसीबी से पक्का नाला बनवाने हेतु गहरा नाला खोदा गया था, लेकिन खोदने के बाद ऐसे ही डाल दिया गया। कोई भी निर्माण कार्य टाउन एरिया के द्वारा नहीं करवाया जा रहा है। इतना गहरा होते हुए यहां के रहने वाले बच्चों का, जानवरों का हमेशा यह खतरा बना रहता है कि कहीं इसमें गिरकर कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। यहां के निवासी राम बाबू का कहना है कि 4 दिन पहले अभी इस नाले में हमारा बच्चा गिर गया था और उसी के बाद 2-3 जानवर भी गिरे। आसपास के लोगों की मदद से सही सलामत जानवर को निकाला गया और यहां के चेयरमैन राम बाबू गुप्ता टाउन एरिया कार्यालय के अभियंता से संपर्क कर सूचना दी गई और बातचीत की गई। सब लोगों ने यही आश्वासन दिया कि बन जाएगा, बहुत जल्द बन जाएगा, लेकिन अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ है और न ही शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। यहां के सभी निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये जल्द निर्माण नहीं किया गया तो कोई बड़ी घटना घट सकती है और ग्रामीणों का कहना है कि इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं टीवी वन इंडिया न्यूज से राजेश कुमार मौर्य, जिला क्राइम संवाददाता रायबरेली। मैं इस समय बाईपास प्रयाग रोड डलमो रोड की तरफ मैं इस समय बाईपास में खड़ा हुआ हूँ, संत नगर वार्ड नंबर 10 में। यहाँ पर लोगों का कहना है कि 20 दिन से ये नाला खोद दिया गया है जिसमें जानवर भी गिरते हैं, तो लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ के अभियंता और चेयरमैन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को ले चलते हैं वहीं के निवासियों के पास, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। कहाँ के रहने वाले? वार्ड नंबर 10। कौन सा वार्ड लगता है? बाईपास संत नगर वार्ड नंबर 10। तो यहाँ पे जो नाला खोदा गया है, लोगों का कहना है कि 20 दिन से खोद दिया गया है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सही। तो इसमें इससे भी क्या कहना चाहते हैं? क्या समस्या सर? नाला बने का है, मतलब यही हम चाहते हैं कि पक्का नाला बन जाए। इसमें जानवर भी गिरते हैं, हम लोगों को गाड़ी घोड़ा निकालने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। और ये किसने खुदवाया? ये खुदवाया है टाउन एरिया ने। और कब से खोदा गया है? 15-20 दिन हो गए, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं, ना कोई पुलिया तक नहीं आई, किसमें पुलिया भी पड़ जाए कहना। और आपने चेयरमैन ने यहाँ बात की? हाँ, सबसे बातचीत की, यहाँ जो आता है हाँ करवा देंगे, बस ये कहकर चला गया। और यहाँ का चेयरमैन कौन? राम बाबू गुप्ता। तो वहाँ कार्यालय में जो अभियंता अधिकारी बैठते हैं उनसे आपने प्रार्थना पत्र दिया? हाँ दिया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट, लालगंज रायबरेली। जिला लखीमपुर खीरी के थाना नीम गांव द्वारा जुआ खेलते हुए 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 13,000 रुपए नकदी बरामद की गई है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कमलेश तिवारी की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। सरेनी विधानसभा में शहीद गांव का दर्जा प्राप्त गौतमन खेड़ा अपनी बदहाली की दास्तान सबके सामने बयां करने को मजबूर है। इसी गांव के पवन सिंह, संस्थापक जय हिंदू सेवा सेना एवं समाज सेवी के साथ सैकड़ों की संख्या पुरुष और काफी संख्याओं में महिलाओं ने भी शामिल होकर विरोध प्रदर्शन किया, बाद में रैली निकाल कर विरोध जताया। गौरतलब है कि 1942 में अंग्रेजों से जूझते हुए गोली का शिकार हुए अमर शहीद अवदान सिंह इसी गाँव के थे। आज़ादी के इतने वर्षों में जहाँ हम और हमारा देश उन्नतिशील भारत का दावा करता है, वहीं शहीद का गौतमन खेड़ा ऐसे दावों की पोल खोल रहा है। आपको बता दें कि गांव के लिए आजादी के इतने लंबे अंतराल के बाद भी कोई संपर्क मार्ग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह और जय हिंदू युवा सेना की महिला प्रभारी कुसुम सिंह की अगुवाई में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार तक किया, लेकिन शासन सत्ता की कान पर जू तक नहीं रेंगी। जहां एक तरफ वर्तमान सरकार राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर सत्ता में आई है, ऐसे गाँव के लिए सरकार का राष्ट्रवाद महज खोखला साबित हो रहा है। ग्रामीणों के बहुत मांग पर सड़क निर्माण गाँव में प्रारंभ हुआ, पर आधी सड़क बनकर बजट खत्म होने का हवाला देकर सड़क निर्माण का कार्य ठप कर दिया गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। बाइक से रैली भी निकाली गई। नाली है, पानी का निस्तारण न होने के कारण, नाली न बनने के कारण यहाँ गंदगी जमा रहती है और इसकी वजह से तरह तरह की लोगों के अंदर बीमारी जैसे टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार, तरह तरह की बीमारियों की चपेट में हमारे गांव के लोग हैं। अगर ये नाली बन जाए, पानी का अच्छे से निस्तारण हो जाए, तो हमारे गांव के लोगों को काफ़ी मतलब राहत मिले। इससे ये नाली है, इस नाली में पानी का ठीक से निस्तारण नहीं होता, कच्ची नाली है, इस पानी बह नहीं पाता और इसी में सैकड़ों मच्छर पलते हैं और तरह तरह की बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, दिमागी बुखार, तरह तरह के बीमारी लोगों के अंदर हो जाती हैं गंदगी की वजह से। अगर पक्की नाली बन जाए तो लोगों को इससे बहुत राहत मिले। हमारे गांव का जूनियर हाई स्कूल है, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से। ये देखिए, प्रधाना
प्रधानाध्यापक कक्ष है, इसमें देखिए लकड़ी कंडा भरा हुआ है और ये इसकी हालत देखिए इस कमरे की। एक अच्छा आठ का कमरा है ऐसा, ये पूरा लोकेशन देखिए इसका किस तरह से जर्जर पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोग सरकार तक इस अपनी आवाज नहीं पहुंचा। बदहालियों को स्वरचित कविता के माध्यम से मोदी जी योगी जी तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहती हूं। हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप हम महिला की आवाज जरूर सुनेंगे और हमारे शहीद गांव का विकास करेंगे। जिस गांव की है सर जमी शहीद अदान सिंह की हालत है जो कि त्यों मेरे शहीद गांव की। शहीद की शहादत को सम्मान ना मिला, सदियां गुजर गई कोई विकास ना हुआ। क्या क्या बताएं, क्या क्या बताएं बदहालियां। योगी जी मोदी जी पर गर्व है कि मैं बहु शहीद गांव की। आखिर 72 साल बाद ही सही पर सम्मान। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट रायबरेली। मार्टिनगंज तहसील के प्रांगण में सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्र व प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जमकर बरसे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा केंद्र और प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल है। ये सरकार गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों के विरोध में कार्य कर रही है। इस सरकार के शासन में महंगाई अपने चरम पर है। बसों का तथा रेल का किराया बढ़ गया है। बिजली का बिल मनमाने ढंग से बढ़ाया गया है। नहरों में पानी नहीं है। नौजवानों को नौकरी के लाले पड़ गए हैं। सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार व कारगुजारियों को उजागर करने वाले पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर उनकी जबान बंद करने की कोशिश की जा रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूरे देश में आंदोलन कर रही है। हमारा आंदोलन सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ है। ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि हम आने वाले 2022 के चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस कर तैयारी कर रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बननी तय है। कार्यक्रम को प्रहलाद राजभर, चिंतामणि राजभर, सुरेश राजभर, सुनीता राजभर आदि कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर के सामने सिबली सिंह, महाक्रांति दल को छोड़कर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ग्रहण की। इस अवसर पर हजारों कार्यकर्ता तथा ग्रामीण उपस्थित थे। एक तरफ अमीर के बेटा कॉन्वेंट में, गरीब का बेटा प्राइमरी, 1,70,00,000 गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में, दो तरह की शिक्षा देश में क्यों? जब अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वन इलेक्शन वन नेशन वन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में वन मैन वन वोट, जब सबको समान अधिकार है तो फिर दो तरह की व्यवस्था क्यों? एक तरह की शिक्षा जो शिक्षा अमीर के बेटा को दी जा रही है वही गरीब के बेटा को दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने भी कहा कि नेता का, अधिकारी का, अमीर का और गरीब का बेटा एक साथ प्राइमरी में पढ़े, ये हाईकोर्ट ने भी कहा। आज उत्तर प्रदेश में गुंडा गर्दी, तानाशाही, लूट, डकैती, छिनैती, सरकार पूरा एकदम गुंडा गर्दी को उतर गई है। अभी मिर्जापुर में एक पत्रकार ने रोटी नमक का मामला देखा है, उसके खिलाफ मुकदमा। आजमगढ़ में बच्चे पोछा लगा रहे थे, उसको पत्रकार ने दिखाया, उसके खिलाफ मुकदमा। ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाई हुई, लटशाही, जो हम कहेंगे वही सही है। आप सही बात मत दिखाओ और सही बात मत बोलो। जब मैंने गरीबों के हित के लिए जब मैंने लड़ाई शुरू किया तो मऊ की धरती पर कोपागंज में हमारे खिलाफ मुकदमा, तो मुझे उसकी परवाह नहीं। आप एक नहीं 1400 थाने में मुकदमा लिखवा दो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर मानेगा नहीं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रामायण सिंह की रिपोर्ट, आजमगढ़। थाना उसावा व मैऊ ब्लॉक क्षेत्र में गांव धर्मपुर में दोपहर के समय वीरपाल शर्मा पुत्र रामनाथ शर्मा की गाय घर के सामने खूंटे से बंधी हुई थी, जहां उसी समय सामने से आते हुए गायों के झुंड से अचानक वीरपाल की गाय ने चौंक कर रस्सी तोड़कर भाग गई। वीरपाल शर्मा की जगह के पास में ही राम आश्रय का खेत है, जहां राम आश्रय ने अपने खेतों में ब्लेड वाला तार लगाकर उसमें बिजली का करंट ट्यूबवेल वाली लाइन से छोड़ दिया था। जहां गाय पहुंचकर खेत में चल रहे ट्यूबवेल का पानी पीने लगी, वहीं गाय की गर्दन में ब्लेड वाला तार टच हो गया। तार के छूते ही करंट से गाय की मौके पर ही मौत हो गई। क्या नाम है भैया? वीरपाल नाम है, ग्राम धर्मपुर के रहने वाले हैं, थाना उसावा, तहसील दातागंज। अच्छा अच्छा, हाँ, ब्लॉक में आऊ पड़ता है। अच्छा, क्या मैटर हुआ? मैटर ये हुआ, मतलब जो हमारी गाय बंधी हुई थी जी, तो गाय जो है और गाय मतलब जो है आके उस पे जो है भिड़ गई। हाँ, वो गाय भड़क गई और रस्सी से जो है
खुल के जो है वो भाग निकली वहाँ से। अच्छा अच्छा। तो पड़ोस के गांव मतलब पड़ोसी के खेत में जा पहुंची, वहाँ बिलेट वाला तार लगा हुआ था। हाँ, लगा हुआ था। उसमें जो है करंट लगा हुआ था, बिजली का करंट लगा हुआ, बिजली का करंट। अच्छा, और ट्रांसफार्मर उनके खेत में है, वहीं से वे ज्वाइंट कर देते हैं उसका। अच्छा, लगा देते हैं। और मतलब जो है उसी तरीके से मतलब जो गाय जब वहाँ पहुँची तो जो है पानी बराह में चल रहा था, उसमें पैर उसने रखे और मुंह बढ़ाया तो तार में लगा उसका मुंह। हाँ। और उसी तरीके से वो गिर गई नीचे को उनके। अच्छा, खेत में। अच्छा, वो तो अच्छा। मतलब जो है गिरते ही खत्म हो गई जी। फिर उन्होंने आके मतलब उसको दूसरे खेत में डाल दिया। अच्छा, खेत वालों ने आके। हाँ, दूसरे। उनका क्या नाम है जिनका खेत है? रामाश्रय नाम है। रामाश्रय नाम है। तो हमारी माँ उठ के आई, बोली लाओ गाय को पानी पिलवाया। हमें बाल्टी में पानी लेके आई तो गाय वहाँ नहीं थी, तो उन्होंने खेत में पड़ी देखी तो वो खेत में बाल्टी लेके आई कि यहाँ कैसे बैठ गई आके जी खुल के। तो जब बाल्टी रखी उसके तो वो खत्म मिली वहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, खत्म हो गई गाय। खत्म हो गई। फिर जो है अब वो 2 महीने की गाभिन थी साहब, बच्चों का दूध फूध का सहारा हो जाता, हमारा वो भी चला गया। अच्छा। हम तो TV1 इंडिया न्यूज के लिए पंकज साकी की रिपोर्ट, बदायूं। इटावा जनपद में लगातार 4 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे मत्स्य महाविद्यालय के छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर आज मत्स्य महाविद्यालय के दर्जनों छात्रों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी आवास के सामने कपड़े उतार कर धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। छात्र अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं, लेकिन अधिकारी भी उनकी कोई भी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए लगातार मत्स्य महाविद्यालय के छात्र धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता केवल 4 वर्ष ये पाठ्यक्रम BFSE की जाए। छात्रों की मांगे हैं, सभी समक्ष मस्तों से पदों पर जो भी पद खाली पड़े हैं उन पर शैक्षिक आधार पर नौकरियां दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार लोक सेवा आयोग के प्रमुख परीक्षा में 4 वर्षीय मत्स्य पाठ्यक्रम को जोड़ा जाए, इसी को लेकर लगातार छात्र धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वहीं छात्रों ने कहा कि हमारी डिग्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है, इसी को लेकर यहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए इदरीस फारूकी की रिपोर्ट, इटावा। गोरखपुर जोन की 37वीं अंतर जनपदीय बैडमिंटन व टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2019 का आयोजन 12 सितंबर 2019 से 14 सितंबर 2000 तक रीजनल स्टेडियम गोरखपुर में किया गया था, जिसमें जनपद कुशीनगर पुलिस से गई पुरुष टीम दिनांक 14 सितंबर 2019 को दोनों खेल प्रतियोगिताओं में उप विजेता हुई, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर के द्वारा उप विजेता टीम को चल बैचनती शील्ड व मेडल इस जनपद के खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए धीरज सिंह की रिपोर्ट, गोरखपुर। टीकमगढ़ जिले के ग्राम रोजगार सहायक कर्मचारी संघ ने आज स्थानीय नजरबाग प्रांगण में एकत्रित होकर एक विशाल रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण के संबंध में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को दिया। तहसीलदार ने शीघ्र ज्ञापन को भेजने का संगठन को आश्वासन दिया। इस अवसर पर ग्राम रोजगार सहायक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष संदीप यादव ने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र के पेज नंबर 34 के बिंदु क्रमांक 7 के अनुसार जो वचन दिया गया था उसे पूरा करने के लिए आज रैली निकाल कर ज्ञापन दिया गया है। विजय सिंह यादव प्रदेश महामंत्री ने कहा कि अगर शीघ्र हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो भोपाल में विशाल जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। आज यहाँ ज्ञापन दिया रोजगार सहायक समस्त जिले के साथियों ने, पूरे मध्य प्रदेश में हमारे संगठन के द्वारा निर्णय लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा चुनाव की पहली घोषणा की गई थी, चुनाव पत्र उसमें था वचन पत्र में कि आप हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको 90 दिन में परमानेंट कर देंगे। आज 9 माह हो गई है, हम लोगों की परमानेंट होना ठीक है, जरा जरा सी बातों की बात समाप्त हो रही है। हमारे साथ जहाँ ACS महोदय दुलानिया जी ने आदेश किया था कि किसी भी ग्राम पंचायत में डबल प्रभार नहीं रहेगा, एक सचिव को 2 पंचायत का प्रभार नहीं रहेगा, ऐसा हमारे छतरपुर जिले में, दमोह जिले में, अन्य जिलों में प्रभार हटा दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण मांग है जो आज जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं, और अभी ये तो शुरुआत है, उनको केवल जगाने का काम किया हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात याद दिलाने का काम किया, वचन में जो उन्हें दिया उसका याद दिलाने का काम किया। अगर हम नहीं किया जाता है तो हम लोग 20 तारीख को भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। ग्राम रोजगार सहायक संगठन जिला टीकमगढ़ का हूँ,
किस लिए ज्ञापन दिया गया? आज माननीय कमलनाथ जी सब सरकार नहीं बनी थी, जब उन्होंने बिंदु क्रमांक 34 पे वचन पत्र में लिखा था कि हम ग्राम रोजगार सहायकों को नियमित करेंगे, 9 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक नियमित नहीं किया गया और मुख्य रूप FIR मात होने से ग्राम रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त कर दी जाती है, ये क्योंकि गलत है। दोष सिद्ध होने पर सेवा खत्म करें, शासन के नियमों तक शासन के। TV1 इंडिया न्यूज के लिए साहिन निशा सिद्दीकी की रिपोर्ट, टीकमगढ़। जनपद में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधी पकड़ो अभियान के तहत तीसरे दिन पुलिस ने 209 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 3 दिनों में पुलिस ने 448 वंचितों, वारंटियों, जिला बदर व अन्य मामलों के आरोपियों का चालान कर न्यायालय में पेश किया है। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो लगातार अभियान चल रहा है उसी के तहत आज 210 विभिन्न धाराओं में NBW वांछित पुरस्कार घोषित गुंडा जिला बदर प्रिवेंटिव में यहां पकड़े गए हैं। और इस तरीके से जो पिछले 3 दिनों से ऑपरेशन धरपकड़ चल रहा था जनपद इटावा में, इसके तहत 450 से भी ज़्यादा जो ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनको पकड़ा गया है, जिसमें NBW जिला बदर बड़े अपराधी भी है, और इन सभी को पकड़ के जो है न्यायालय भेजा जा रहा है। और आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि जनपद इटावा में कोई भी व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करता है, किसी तरीके का क्राइम करता है, तो उन सभी को पकड़ के उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लगातार इस तरीके के अभियान जनपद इटावा में चलते रहेंगे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए इदरीस फारूकी की रिपोर्ट, इटावा। जनपद फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फिरोजाबाद के भाजपा सांसद चंद्रसेन जादौन रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चित्र पर गुलाब की माला पहनाई गई, जो कि मरने के बाद चढ़ाई जाती है। कार्यक्रम के आयोजकों में CMO SK दीक्षित, चिकित्सा अधीक्षक कपिल यादव एवं जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह जी थे। सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे प्रकरण पर सांसद वहां मौजूद अधिकारी एवं नेताओं ने ध्यान नहीं दिया या जानकारी की कमी थी। इस पूरे कार्यक्रम के बाद भाजपा सांसद नेतागण एवं अधिकारीगण विपक्ष के निशाने पर है। सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट आ रही हैं, जिसके माध्यम से भाजपा नेताओं एवं अधिकारियों का मजाक बनाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण के बाद जनपद भर में भाजपा नेता एवं अधिकारी हंसी का पात्र बने हुए हैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मयंक शर्मा के साथ देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।